इमरान खान ने ये कहा कई दफा कि मैं 1780 में जो है वो कश्मीर पे जब 80s में करता था तो मैं जहाद करता था, और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच को वो जहाद समझते हैं। भाई आप पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच इज अ मैच, दिस इज नॉट अ जहाद, आप उसको कैसे भूल जाते हैं। ये बॉलीवुड मुसलमान, अच्छा वैसे माशाल्लाह नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा, मुसलमान बाद में है भाई, पहले भारतीय हैं, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट, आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को। पहले मुसलमान है जनाब, पहले हिंदुस्तानी है, तो तभी भारत वाले उनके साथ ये कर रहे हैं। कुछ और है जनाब, बाबा इकबाल ने हमें समझाया, कुछ और है, यही तो सजा मिलनी है शाहरुख खान और उसकी फैमिली को। दोस्तों आपने ये कमर चीमा का छोटा सा क्लिप आई होप ध्यान से सुना होगा। दो क्लिप लगाए थे, एक पुराना कमर चीमा का था, एक नया कमर चीमा था, कमर चीमा का क्लिप था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इमरान खान मतलब हर चीज़ को लेकर जिहाद वर्ड यूज़ करते हैं, और जिहाद वर्ड को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि कुछ शायद मुस्लिम यहाँ पर ये कमेंट जरूर करेंगे कि जिहाद का मतलब वो नहीं है, ये नहीं है, ये है, वो है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन जिहाद को लेकर यूएस के मतलब एक बार शायद डोनाल्ड ट्रंप तक ने वर्ड यूज़ किया था जिहाद, तो जिहाद का वर्ड तो अब बहुत कॉमन वर्ड है, आप समझ सकते हो क्या है जिहाद का मीनिंग। तो इमरान खान हर चीज़ में जिहाद की बात कर रहे हैं। यहाँ इस बार ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, उसको लॉन्च करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप ये मतलब कोशिश करें, ये हमारे लिए एक जिहाद है, इस तरीके का वर्ड यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। इस खित्ते में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट है जिहाद की, पिछले 40 साल की लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्ड जिहाद जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। गो कि ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसमें जब हर मौके पे ये कहेंगे इसको जहाद समझें, इसको जहाद समझें, क्रिकेट में भी इसको जहाद करें। मैं देख रहा था जो इमरान खान साहब, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्योंकि ऑपोजिशन को टफ टाइम देना है, ऑपोजिशन क्योंकि समझती है इमरान खान साहब एक फेक तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इमरान खान साहब का एक तरीका है इलेक्शन जीतने का, और वो इसको नहीं कुछ देते, शक्ल इसकी नहीं वो चाहते कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो क्योंकि इस पर कंसेंसस नहीं है, तो वो कह रहे हैं नहीं इसको जिहाद समझें इमरान खान कहते हैं, और इसको वोट डालें और ऑपोजिशन को रिजेक्ट करें। अब इसके अलावा मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इंडिया के खिलाफ जो मैच लड़ा तो मैंने उसको जिहाद समझ के लड़ा, और वो जिहाद कश्मीर के बराबर है मेरे साथ। अच्छा और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो इसी तरह होता है कि जिस तरह आप जिहाद कर रहे हैं, ये गेम नहीं होती, ये जिहाद होता है। अब देखें कि ये जो टर्म है, ये जो कॉनोटेशन है, ये इसकी एक कॉन्टेक्स्ट है। फिर वो बात करते हैं जब स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आपने स्पोर्ट्स को भी इस्लामाइज कर दिया, आपने पॉलिटिक्स को तो पहले ही हर चीज में आप इस मजहब लेके आ गए हैं उसको भी इस्लामाइज कर दिया, और माजी में हमारे कुछ जो नादान लोग थे वो कहते थे जी इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब, जी जो बॉम्ब है ये इस्लामिक है, भाई बॉम्ब का तो कोई मजहब नहीं होता ना, उसको क्या पता है मैं इस्लामिक हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ज्यू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कौन हूं, उसका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये क्यों वर्ड जिहाद जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और अफगान जिहाद। अब होता यह है कि जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी जो है, यहाँ पे लोगों को वर्ड जिहाद की बड़ी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इस तरह है क्योंकि हमने माजी में बताया गया है अफगानिस्तान जिहाद करना जाना है, कश्मीर जिहाद करने जाना है, तो वो जो एक्सेप्टेंस है उस एक्सेप्टेंस की वजह से लोग इसको बड़ा इसको समझते हैं कि ये हमें करना है। और फिर माजी की जब इस्लामिक हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है तो उसमें भी जारी बात है जिहाद का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन वो एक प्योरली एक और चीज थी। अब वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान की ऑपोजिशन को आप सुने, वो कहते हैं कि इमरान खान को पावर से निकालना जिहाद है, यानी कि अगर इमरान खान, एक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं ये इमरान खान को निकालेंगे तो ये जिहाद होगा। अच्छा इमरान खान कहते हैं मैं जिहाद कर रहा हूं। अच्छा वो जब इमरान खान साहब कहते हैं मैं जब ऑफिस जाता हूं वो तो मैं बेसिकली समझता हूं मैं जिहाद पे जा रहा हूं। आप ऑफिस जा रहे हैं सर,
आप जहाज पे नहीं जा रहे, आप जहाज पे तब जाएंगे जब आप उसकी कॉन्टेक्स्ट लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हमारे और बहुत सारे लोग हैं, फिर उसकी और कॉन्टेक्स्ट में लेना चले जाते हैं, नहीं जी यहाँ जहाज अकबर है, ये जहाज असगर है, वो मैं उसमें नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, लेकिन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के आप जब इस तरह के वर्ड को इतना ज्यादा और अपनी हर डोमेन ऑफ लाइफ एंड स्फेयर ऑफ लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो इसके फिर मीनिंग डेवलप होते हैं, लोग इसको सोचना शुरू कर देते हैं, लोग पूछते हैं, लोग इसको कहते हैं कि हाँ जी दफ्तर जाना जिहाद है क्या, क्या क्रिकेट खेलना जिहाद है। अब ऑपोजिशन जमाते जो हैं वो कहेंगे जी इमरान खान को जो है वो निकालना जो है पावर से जिहाद है। अच्छा जनरल मुशर्रफ जो था वो आया तो उन्होंने कहा जी कि हम तो समझते हैं कि ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पहले हमने जिहादी बनाए, फिर हमने जिहादियों को खत्म किया, इन्हीं एलिमेंट्स को पहले सपोर्ट किया, नर्चर किया, सपोर्ट किया, इनको हवा दी, तैयार किया, और फिर कहा नहीं ये तो गलत हो गई, ये तो हमें मारते हैं, अब इनको खत्म करना है। तो ये जो इसकी जो कॉनोटेशन है माजी की, मेरा ख्याल है अगर आपने इसको नहीं समझा और आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल बेदरे करना शुरू कर दिया। अब अच्छा एक और बात, अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, अभी तो है जो बाइडन उनको कॉल नहीं करते और इमरान खान साहब बड़ा आइसोलेटेड फील करते हैं, और अच्छा इमरान खान साहब ने जब ट्रंप से मिल के आए थे जी, और जब ट्रंप से मिल के आए तो उन्होंने आके कहा कि जी मैं तो जो है ना वो जिहाद करके आया, और मैं जो कश्मीर की बात करके आया ना उसके सामने ये जिहाद ही था। फिर इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली का जो इजलास है उसमें जो बात करके आए तो उन्होंने कहा जी कि हम तो जिहाद करके आया हूं, मैं जिहाद करके आया हूं। देखिए ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, आप अपना केस रखते हैं, एक पाकिस्तान का केस है कश्मीर के हवाले से जो कि पाकिस्तान को रखना चाहिए, लेकिन उसको उसकी कॉनोटेशन डेवलप कर देना या उसके बारे में ये एक एनवायरनमेंट दे देना, नहीं जी ये तो जिहाद है, इस पे ऊपर बात करना जिहाद है। अच्छा अच्छा खुद मजे की बात यह है कि इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान, अच्छा वो भी उन्होंने एक लफ्ज है उनका ना, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई पाकिस्तानी कश्मीर जाएगा। आपने कमर चीमा को सुना, कमर चीमा के मैंने दो क्लिप लगाए हुए थे, एक क्लिप जब शाहरुख खान के बेटे की कंट्रोवर्सी हुई थी अभी उस कुछ दिन पहले, तो कमर चीमा ने जो फिजा खान के शो में बात की थी, नहीं नहीं शाहरुख खान पहले मुस्लिम है फिर वो इंडियन है ये, और वो इस तरीके की बातें की। और ये कमर चीमा का दूसरा रूप, आपने देखा किस तरीके से ये जिहाद वर्ड को इमरान खान को मतलब ज्ञान दे रहे हैं कि जिहाद ये और वो फलाना ठिकाना। तो दोस्तों ये सब एक ही स्कूल के मतलब सिलेबस के बच्चे हैं, एक ही माइंडसेट के बच्चे हैं, ये अपना चेहरा कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ बताएंगे। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर, यहां तक कि शोएब अख्तर का क्लिप मौजूद है कजवाए हिंद को लेकर, फिर से हिंदुस्तान फतह होगा, ये होगा वो होगा, फलाना कश्मीर, सब कुछ मौजूद है। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका आज के समय में आपको भी पता है कि इनको ध्यान नहीं रहता कि ये चीजें वायरल नहीं होंगी, ये चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। यहां तक कि इंजमाम उल हक और शायद बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक मुश्ताक अहमद, जिनके सबके क्लिप मौजूद हैं कि मतलब हम इतने मुसलमान को कन्वर्ट कर सकते हैं तो इतने दिन में इतना पूरा मतलब दुनिया मुस्लिम बन जाएगी। अहमद शहजाद पाकिस्तान के एक क्रिकेटर जिनको विराट कोहली से काफ़ी कंपेयर किया जाता था, उन्होंने लाइव मैच के दौरान मतलब जो श्रीलंका के क्रिकेटर थे तिलक रत्न दिलसान, उनको बोला था कि तुम जो मतलब ये फेथ छोड़ो और तुम मुस्लिम फेथ पर आओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, तिलक रत्न दिलसान अहमद शहजाद कॉन्ट्रोवर्सी डालोगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो आप समझ सकते तो ये एक ही माइंडसेट के बच्चे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे उनकी नेक्स्ट जनरेशन या उसके पहले की जनरेशन या इंडिया की जनरेशन या कहीं कहीं भी जनरेशन, ये एक ही माइंडसेट के बच्चे हैं। तो ये मतलब अब इस वर्ड को बोलेंगे नहीं भाई तुमने कुरान पढ़ाई नहीं तो तुम क्या ये और वो फलाना ठिकाना, लेकिन आखिरी में बात फिर वही निकलती है जो रहती है सच। तो आप समझ सकते हो इसमें इमरान खान की कोई भी गलती नहीं है, उनका जो उन्होंने जो मतलब उनको जो सिलेबस पढ़ाया गया है तो उसी सिलेबस के हिसाब से वो बात करेंगे। तो कमर चीमा भी यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उनका मैंने आपको बताया कि उनका माइंडसेट भी कैसा है और यहाँ पर उनका माइंडसेट कैसा है। तो गाइज पाकिस्तान में अब आपको पता है कि इमरान खान तहरीक लब्बैक हो या TDP हो, सबसे बैठकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान के बच्चों को मारा और अभी कितने सारे अटैक किए,
चाइनीज को मारा और बहुत सारे लोग, और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कि बेसिकली फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए आंदोलन कर रही है और उन्होंने कई पुलिस वालों को मारा, तो इनके साथ डीलिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों बात क्या है और क्या नहीं है। ये लोग बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने आती हैं। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।